20 सितंबर 2024 को दुलिया शहर के देवपुर इलाका एलएन सरदार स्कूल के पीछे के इलाके में सैकड़ों लोग इरशाद जागीरदार के हाथों समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस शमूलियत के वक्त तो इलाके के जिम्मेदारान में शेख मुमताज भाई, अशफाक भाई, अनवर अली, जीतू भाई, गुड्डू भाई, फैसल भाई के अलावा बड़ी तादाद में इलाके की आवाम मौजूद थी। पार्टी में शमूलियत के वक्त तो समाजवादी पार्टी के नेता इरशाद जागीरदार, गुड्डू काकर, अकील अंडे वाले, नवीद अंसारी, जमील मंसूरी के अलावा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बार मैं सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये बात जाहिर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले शुक्रगुजार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमदार अबू अजीज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पहले मुझे उन्होंने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का दुलिया विधानसभा मैदान से जाहिर किया और मैं अखिलेश यादव साहब का इस बात का भी शुक्रगुजार रहूंगा, एहसान मंद रहूंगा जिंदगी भर कि उन्होंने मुझे महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के पास आपका कीमती वोट मांगने के लिए भेजा। पर आज मैं आपके पास वोट मांगने क्यों आ रहा हूँ, मेरा क्या कारण बना? मैं 16 साल से दुनिया की खिदमत करता है, लोग कुछ भी मेरी अफवाह उठाते कि मैं आज इलेक्शन में खड़ा रह रहा हूँ, ये रह रहा हूँ, पर यहाँ के जो बुजुर्ग है, यहाँ के जो नौजवानों, आपको ये पता होगा, आप आपके यहाँ के बुजुर्गों से पूछोगे, मुझे 2008 से यहाँ लगातार दुनिया शहर में काम करते हुए देखे, मेरे दरवाजे से कोई मायूस होके आज दिन तक के लौटा नहीं। जैसा अभी इन्होंने बताया हमारे निहाल अख्तर साहब ने कि मैंने 250 बोरिंग किया, मैं दुनिया शहर में पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए ये बोरिंग का काम किया और ये बोरिंग करते हुए मैंने कोई मजहब धर्म इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा, मैंने मंदिरों को बोरिंग किया, मस्जिदों को बोरिंग किया, मुस्लिम भागों में बोरिंग किया, सभी जगह किया, मैंने सभी को साथ में लेके चलने का काम किया। हाल ही के दिनों में कुछ हुए इस्लाम की जो सीख है उसको ध्यान में रखते हुए अपने बिरादर वतन को साथ में लेके चलने का है, तो मैंने गणपति में भी लोगों का गणपति का भी स्वागत किया, उसी तरीके से कल मैंने जुलूस का भी स्वागत किया। मैं राजनीति नहीं करने वाला आदमी, मेरा काम 90% समाज कारण है, समाज कारण करते हुए ही पार्टी चूज किया तो समाजवादी पार्टी चूज किया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था, मेरे अजीत पवार के साथ बहुत गहरे संबंध है, पर मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे दो बातों पे दुख हुआ, एक हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हो गई तो वहां मुख्यमंत्री बोलते हैं कि तुम्हारे बाल को धक्का लगेगा नहीं, वो बात हमारे दिल को का लगी, और दूसरा जो महाराष्ट्र की अस्मिता है छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जब पुतला टूटा तो उसके आरोपियों के ऊपर कोई कड़क कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं दोनों बाजू को काम करने वाला आदमी है, तो ये दोनों चीजों से मैं नाराज होकर डिसीजन लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने भेजे हुए हमको है ये किए, तुमको मैं चैलेंज देता हूँ, अगर बीजेपी के साथ मेरा एक फोटो आ गया, अगर बीजेपी मेरे को भेजती तो लोकसभा में आप लोगों ने दुलिया शहर में ये देखा है कि इरशाद जागीरदार किधर बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए खड़ा नहीं रहा, जब मैं अगर उनके लिए वोट मांगता नहीं हूं तो मैं उनके साथ सेटलमेंट कैसा करता हूं। मैं आप लोगों को यहां से एक जबान लेके जाऊंगा कि कुछ भी हो जाए मेरी गर्दन कट जाए पर बीजेपी के साथ ये हाथ मिलाने वाला इरशाद जागीरदार नहीं। आप ये बात समझ के चलना, किसी भी तरीके से आपका नुमाइंदा बनके मैं महाराष्ट्र के असेंबली में गया तो असेंबली में भी किसी तरीके से बीजेपी को मदद होगी, ये काम मेरे हाथ से होगा नहीं, और अगर ये काम अगर आपको लगा हुआ है तो आपके पैर में चप्पल निकाल लेना मेरे लिए, ये बात मैं आपको गवाही देके जाता हूँ। मैं आपके वोट मांगने क्यों आया, मेरे को 3 काम करने दुलिया के लिए और वो ईसीडी काम है, ई मंजे एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना है, आज है हमारे दुलिया में रोजगार, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे पर उनको रोजगार के लिए सूरत जाना पड़ रहा है, नासिक जाना पड़ रहा है, औरंगाबाद जाना पड़ रहा है, पुणे जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है रोजगार, ये रोजगार इधर मैं कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार खड़े करने का काम 5 साल में करूंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी साथ चाहिए और वो साथ ये चाहिए कि हमें बिरादरी वतन हमारे हिंदू भाइयों का और मुस्लिम भाइयों का दोनों का साथ लगेगा, हमको शहर में शांतता का माहौल रखना पड़ेगा क्योंकि जब ये शहर में शांतता का माहौल रहेगा तभी इस शहर के अंदर कोई भी बड़ा उद्योगपति अपनी इन्वेस्टमेंट इस शहर में करेगा, अगर शहर में अगर माहौल खराब रहेगा तो कोई इन्वेस्टमेंट आएंगी नहीं और हम सालों साल पीछे 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 होते जाएंगे। दूसरा काम मुझे करना है कि भ्रष्टाचार से शहर को मुक्त करना है,
आज आप देखो कितने विकास काम हो रहे हैं, गली में नाली बन रही है, गलियां बन रही है, रास्ते बन रहे हैं, पर वो टिक रहे क्या? ये आप खुद जाके देखिए, अगर ये रास्ते टिकेंगे नहीं, ये अगर ये होगा नहीं, तो पैसा तो आपका ही छोड़ के लेके जा रहे हैं ना। कुछ लोगों की आधे रात में तरक्की हो रही है और कुछ लोग पीछे हो रहे हैं, तो ये बात किधर तो भी रुकना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ। ये पैसा लोगों का है, हमारी माँ बहने हर सालों से ये सुनते आ रही कि हर रोज पानी मिलेगा, आज भी 8 दिन बाद पानी मिलता है, क्यों नहीं मिल रहा है? तुम क्यों नहीं प्लानिंग कर रहे, क्यों नहीं दुनिया के लोगों को निजात दे रहे पानी की समस्या से, जबकि हमारा अकल पाड़ा हो गया, तापी का पानी हो गया, इतने पानी रहे बाद भी हमारे लोगों को निजात नहीं है पानी से। और तीसरा काम मेरे को करना है कि डेवलपमेंट।